lean and I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Assalamu alaikum, lecture number 44 mein hum exercise 6.5 ke क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट थ्री को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है कि सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। हमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड यूज करना है। मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 3x plus 7y equal to 27 एंड 5x plus 2y equal to 16। हमारे पहले दोनों पार्ट में से हमारे पास y के सैम्पल ऑपोजिट थे, तो हम y को इक्वेट नहीं कर रहे थे, अब हम सिर्फ x को इक्वेट कर रहे थे। अब इसमें से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी के ऊपर है हम किसको इक्वेट करना चाह रहे हैं। तो जिसको भी आप इक्वेट करना चाहें आप उसे इक्वेट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से अगर हम पहले y को इक्वेट करूं तो तब भी कोई इशू नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अब इसको y को इक्वेट करते हैं। तो y को इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14y बनेगा, सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 14y। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखेंगे इक्वेशन, पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन हम इक्वेशंस को उसके नाम देंगे, कौन कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, ताकि हमारा प्रॉपर स्टेप हो पाए। 3x plus 7y equal to 27, 5x plus 2y equal to 16, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। अब स्टेटमेंट लिखेंगे हम, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई विद टू एंड इक्वेशन टू मल्टीप्लाई विद सेवन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर सेवन एंड उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, 3x प्लस 7y इक्वल टू 27, 5x plus 2y equal to 16। किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर लिखो, क्वेश्चन वन मल्टीप्लाई विद 2 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 7, तो 2 3 जा 6x plus 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 7 2 जा 14y, 27 2 जा 54, 7 5 जा 35x, 7 2 जा plus का 14y एंड equal to 16 5 जा 16 7 जा कितना होगा, तो हमारे पास 16 5 जा 80 है, तो 16 2 जा 32, तो हमारे पास क्या आएगा, 80 एंड 32 हो जाएगा 112, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 112। हम इनको नाम देंगे दोबारा, हमारे पास क्या है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4 को 3 में से, तो हम लिखेंगे एक सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 from equation number 3, then we get the value of x। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन लिखते हैं हम, 6x plus 14y equal to 54, then 35x plus 14y equal to 112। तो हमें पता है सब्ट्रैक्ट हम जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, सैंपल चेंज होते हैं, तो हम सबके सैंपल चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14y खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा पीछे, 35 में से 6 गए तो 29x माइनस के, क्योंकि माइनस का 36 है। अब 112 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, हम करके देख लेते हैं, 112 माइनस 54, 1 इधर गए तो 8, यहां पे हमारे पास क्या बच गया, 0 0 10, तो हमारे पास क्या बचा, 58। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 58, बड़ी रकम माइनस की तो किसका होगा, माइनस का 58। ठीक है, तो अब x के साथ इधर मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस 29, इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू माइनस 58 अपॉन माइनस का 29, माइनस माइनस से कैंसिल, 29 9 29 29 2 58, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 या 4 में पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी,
हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो हम इधर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3, 6x प्लस 14y इक्वल टू 54। इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है x की वैल्यू को। x की वैल्यू क्या है, 6, x की वैल्यू 2 प्लस 14y इक्वल टू 54। अब 6 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 प्लस 14y इक्वल टू 54। ये प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 12, तो 14y इक्वल टू 54 माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास, 12। तो 14y इक्वल टू 54 में से 12 ये तो 42 प्लस का 14 इधर मल्टीप्लाई करे इधर क्या करेगा, डिवाइड। तो y इक्वल टू 42 अपॉन 14, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 14 थ्री जा 42, तो 14 वन जा 14, 14 थ्री जा 42, y इक्वल टू 3। तो x कामा y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 कामा 3। ये इसका आंसर है पार्ट 3 का। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 45 में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को सोल्व करेंगे।